हाय गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ऑटो क्लिकर ऐप के बारे में। एक्चुअली मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी और उस वीडियो पर एक भाई का कमेंट आया कि मुझे इस पर एक ट्यूटोरियल चाहिए, तो दैट्स व्हाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। गाइस, आज को हम लोग अपने फ़ोन की स्क्रीन पर, और सबसे पहले इसके लिए हम लोगों को जाना है ये प्ले स्टोर पर और यहाँ पर सर्च कर लेना है ऑटो क्लिकर। जैसे ही आप ऑटो क्लिकर सर्च करेंगे तो आपके सामने ये ऐप आ जाएगा। इसके बाद आप इसे इंस्टॉल कर लेना, मेरे में पहले से इंस्टॉल है तो मैं इसे ओपन करूँगा। अब ये आप ओपन कर लेना, फिर इसके बाद यहाँ से आप ये परमिशन इसको दे देना। परमिशन देने के बाद आपके सामने ये दो बटन दिखेंगे आपको। अब ये ऊपर वाले से अगर आप इनेबल करते हो तो आपको सेटिंग मिलेगा और इंस्ट्रक्शन वगैरह मिलेगा, और नीचे वाला आप इनेबल करोगे तो आपको इसमें तीन ऑप्शन मिलेंगे। तो मैं नीचे वाला इनेबल करता हूँ। इनेबल कर दिया है तो यहाँ पर मैंने अपना कीबोर्ड ओपन कर लिया है। और यहाँ पर पहले आप ये समझ लीजिए, ये आपका है प्ले वाला बटन, मतलब जब आप इसको प्ले करोगे वो सारी चीज़ें सेटिंग करके जो भी मैं आपको बताऊँगा तो आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ से आप मतलब ये सेलेक्ट करने के लिए आपको ये प्लस वाले आइकन, तो जितने आपको अलग अलग सेलेक्ट करने हैं तो आपको बार बार ये प्लस पे टैप करना पड़ेगा, माइनस से ये सारे हट जाएंगे। अगर आपको कुछ स्क्रॉल कराना है तो ये एरो वाले इसमें टैप करना पड़ेगा तो आपका वो स्क्रॉलिंग वाला हो जाएगा। नीचे आपको सेटिंग मिलती है और इससे आप मतलब इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हो स्क्रीन। तो चलो हम कुछ भी टाइप करके दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये प्लस पे टाइप किया और ये आया, इसको रखा वाई पे, और इस एक और किया और ये रखा जेड पे, ठीक है। तो अब मेरा क्या होगा, वाई और जेड होता रहेगा। तो ये मैंने कर लिया, अब ये प्रेस होता रहेगा जब तक मैं इसको यहाँ से रोकूंगा नहीं, ठीक है। अब इसी तरह से अब जैसे कुछ भी और भी कराना है तो ये यहाँ पे कर दिया, अब मान लो इस पे कर दिया, ठीक है। तो अब ये हो रहा है, लाइन छोड़ छोड़ के होगा ये इस, क्योंकि इसमें भी हुआ है। तो ये यहाँ से ओके, तो इसको हम बंद कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर आपको कुछ जैसे सेकंड्स तक कराना है, अब जैसे मान लो हम चाहते हैं कि 10-20 मतलब 10-20 हो जाएँ फिर उसके बाद रुक जाए, तो इसके लिए आपको ये सेटिंग पे जाना है और ये जो आपको दिख रहा है नंबर्स ऑफ साइकिल्स, इस पर आप क्लिक कर देना और यहाँ से आप इसको सेव कर देना। अब ये देखो, जब भी हम अपने कीबोर्ड पे ये प्ले का बटन प्रेस करेंगे तो ये 10 बार खाली, मतलब 10 बार वाई और 10 बार जेड और 10 बार ये, उसके बाद अपने मन से ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि मतलब टाइम के हिसाब से हो, ये मतलब 0.5 सेकंड्स का लगा हुआ है, अगर आप चाहते हो कि आप मतलब धीरे धीरे प्रेस हो तो आप इसको यहाँ से टाइम घटा बढ़ा सकते हो और इसको इसमें सेट करके सेव कर देना, हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हम लोगों को मिलता है, तो इस पर हम सेव कर देते हैं। स्क्रॉलिंग के लिए आपको ये एरो वाले पे टैप करना है और ये आपको एक मिल जाएगा। इसको आप अगर ऊपर की तरफ स्क्रॉल कराना है तो आप इसको ऊपर की तरफ रहने देना, मतलब ये आपका सेंटर हो गया और ये आपका मतलब जिस साइड आपको स्क्रॉल कराना है ये आपको उस साइड करना पड़ेगा। तो ये ऊपर की तरफ है, अब ये मैं प्ले कर दूंगा, अभी तो ये फ़िलहाल ऊपर है, अब नीचे करके प्ले कर, तो देखो ये ऊपर आ गया, ठीक है। नीचे की तरफ करना है तो यहाँ से आप इसको नीचे कर देना और यहाँ से आप प्ले कर लेना, तो ये हो गया, अब ये नीचे की तरफ आने लगा। ऊपर फिर इसको आप पॉज करके ऊपर की तरफ कर देना तो फिर इसके बाद ये ऊपर जाने लगा, मतलब इसी तरह से आप इससे बहुत इजीली कर सकते हो। तो ये ऑटो क्लिकर ऐप आप कुछ इसी तरह से यूज़ कर सकते हो। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, आपको वहीं पर आपका आंसर मिल जाएगा। तो गाइज, इतना ही था इस वाली वीडियो में। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।